हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं बनाने जा रही हूँ पटैटो के रिंग्स, जिसको मैं बेक करूँगी, फ्राई नहीं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये मेरे पास है स्क्वायर्स, तो मैं पटैटो को, मेरे पास मशीन नहीं है तो मैं पटैटो को ऐसे ही करूँगी। इसके जो मैंने रिंग्स बनाने हैं, तो ये मैंने अच्छे से जो पटैटो है वो वॉश कर लिया है। तो इसको मैं इस तरह से काटना शुरू करूँगी। आपका नाइफ जो है वो बिल्कुल थोड़ा तेज़ होना चाहिए। इसके ऐसे ऐसे ही मैं इसके रिंग्स बनाती जाऊंगी, इस तरह से। तो अभी तो मेरे ऐसे ही बने हैं। ये थोड़ा सा हो गया है इस तरह से, थोड़ा सा हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। तो अब हम इसको सेकंड पटैटो लेते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे ही अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा छोटे से ही करते हैं। तो इसको मैं ऐसे हल्के हाथों से ही कर रही हूँ। पहले मैंने बहुत हार्ड हाथों से किया था तो कट हो गया था। इसको हम अच्छे ट्विस्ट करते जाएंगे। ये मेरे पास मशीन नहीं है तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आज बच्चों की डिमांड थी। तो लेट्स सी ये कैसे बनते हैं बेक करके। ये थोड़े से ठीक बन गए हैं, तो इसको हम ऐसे अलग अलग कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करते हुए हम इसको ऐसे अलग करेंगे। ये थोड़े से मोटे कट हो गए हैं मुझसे, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको भी हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ऐसे कर लेते हैं अलग। तो ये मेरे रिंग्स बन गए हैं। तो चलिए जो इसकी ऊपर जो इसकी मसाला डालते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है बेसन, क्योंकि मैं मैदा अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरे पास है राइस फ्लोर, और ये है नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला, और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर। तो इसको मैं, हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, इसको हमने लिक्विड ही रखना है। इसको मैं ऐसे लिक्विड ही रखूंगी।
लम्स हटा देंगे हम बेसन के इसमें से, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अपना फूड कलर, थोड़ा सा हाँ कलर अच्छा आ जाए रेड कलर। ये हमारी बेकिंग ट्रे है, तो हमने इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है। इसको हमने रख दिया है 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए बनाते हैं। इसमें जो मैंने राइस डाला है वो कॉर्न स्टार्च का काम करेगा क्रिस्प करने के लिए, और जो बेसन डाला है वो मैदे का काम करेगा। तो ये अच्छे से हो चुका है, तो अब हम इसको ट्रे में 30 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। देखिए 30 मिनट्स बाद हम फिर चेक करते हैं। तो 30 मिनट्स ही पूरे लगे थे इसको बनने में। तो ये अच्छे से पक चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं पटैटो। तो इसको अब हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, ये भी होममेड है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप बिग लाइक देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।